हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एयरफोर्स ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद जो है 2021 में ग्रुप सी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है और इस भर्ती प्रक्रिया में महिला भी पुरुष और महिला पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एक बड़ा मौका महिलाओं के लिए भी निकल के आ रहा है, क्योंकि डिफेंस में महिलाओं के लिए एक अच्छा मौका है और इसमें 10वीं पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, 10वीं और 12वीं पास। और इसी के साथ सभी राज्यों की यह भर्ती प्रक्रिया निकली है। हम आपको दिखाएंगे कि किस राज्य से ये नोटिफिकेशन प्रकाशित होता है और भारत के सभी राज्यों से ये नोटिफिकेशन है। और इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 18,800 से लेकर 25,500 रुपये प्रति महीना आपको इसमें सैलरी मिलेगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था, पोस्ट खाली रहती है सर क्या, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्या इसकी पोस्ट इस भर्ती प्रक्रिया में कोई फॉर्म नहीं अप्लाई करता है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी समझाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा और फॉर्म भी हम बताएंगे कि कैसे भरा जाएगा, क्योंकि हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले दिखा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो ये बेसिक जानकारी है, आपको दिखा रहे हैं भारतीय वायुसेना द्वारा ग्रुप सी सिविलियन की यहाँ वैकेंसीज आपको मिल रही है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, आसोलिफिक ग्रेड सेकंड पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। तो एयरफोर्स से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। और इसके साथ बात की जाए फ्रेंड्स, ग्रुप सी की ये वैकेंसीज है, ग्रुप सी के अंतर्गत ये सभी वैकेंसीज आपको मिल रही है। बात की जाए टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी, तो 255 पद आपको मिल रहे हैं। हम आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट बताएंगे कि एमटीएस की पोस्ट कितनी है और इसके साथ एलडीसी की पोस्ट कितनी है, मेस स्टाफ की वैकेंसीज कितनी है। और इसी के साथ बात की जाए फ्रेंड्स वेतन की, तो वेतन 18,000 रुपये भी आपको इसमें मिलेगा और 25,000 रुपये भी जैसे कि एलडीसी की पोस्ट के लिए आपको मिलेगा। तो अलग अलग पेमेंट जो है इस भर्ती प्रक्रिया में आपको बताया है। और ये एक गवर्नमेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है फ्रेंड्स। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं रहने वाली है। यदि आपने 10वीं और 12वीं कर रखी है तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात की जाए यहाँ वैकेंसीज जो विवरण जो आपको बताया गया है कि टोटल रिक्तियाँ कितनी है, तो 255 पद जो है आपको इसमें मिल रहे हैं। इसी के साथ बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ की 61 वैकेंसीज आपको मिल रही है, यानी कि एमटीएस की कितनी पोस्ट मिल रही है एयरफोर्स में, एयरफोर्स में ये मल्टीटास्किंग की 61 पोस्ट मिल रही है। कलर कम जो टाइपिस्ट है उनकी 2 वैकेंसीज है, एलडीसी की 11 वैकेंसीज आपको मिल रही है, स्टोनो की 4 वैकेंसी है, मैस स्टाफ की यहाँ आपको वैकेंसी 47 वैकेंसीज मिल रही है। मैस स्टाफ की जो वैकेंसीज है सबसे ज़्यादा आपको मिल रही है, तो यहाँ 47 वैकेंसी जो इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। और ओजी की वैकेंसी 38 वैकेंसीज इसमें आपको ओजी की मिल रही है, सभी की सभी 10th पास वैकेंसीज है फ्रेंड्स। हाउसकीपिंग स्टाफ की जो वैकेंसीज है आपको 49 वैकेंसीज मिल रही है, लॉन्ड्री मेल की जो वैकेंसीज है वो 9 वैकेंसीज आपको मिल रही है, वुल्कनाइजर की आपको 2 वैकेंसीज मिल रही है, कुक की 38 वैकेंसीज आपको मिल रही है। कुक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स, बड़ा मौका है। इसके साथ स्टोर कीपर की 3 वैकेंसी है, पेंटर की 4 वैकेंसी है, कुक की 3 वैकेंसी है, आईएएम वार्ड सहायिका की 1 पोस्ट है, कारपेंटर की 3 पोस्ट है, स्टोर कीपर की जो वैकेंसीज है वो 3 वैकेंसी है, फायरमैन की भी आपको यहाँ 8 वैकेंसीज मिल रही है। एक बड़ा मौका है आपके पास, आपको मिल रहा है, तो ये फॉर्म आप जरूर अप्लाई करें, क्योंकि फायरमैन की 8 पदों पर यह बड़ी भर्ती प्रक्रिया होगी। और इसी के साथ ये देख सकते हो ये आपको टोटल जो पोस्ट हमने आपको बताई है कि किस पोस्ट के लिए यहाँ जो है टोटल वैकेंसीज कितनी आपको मिल रही है। इसके साथ फ्रेंड्स बात की जाए इसमें अन्य जानकारी हम आपको दिखा देते हैं। उम्र सीमा 18 से लेकर 30 वर्ष रखी गई है, जैसे कि 18 से लेकर 25 वर्ष है। इसके साथ ओबीसी की 28 वर्ष है और इसके साथ एससी एसटी की यहाँ 30 वर्ष रखी गई है। और आरक्षित जो वर्ग है जैसे कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको भी छूट इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें कार्यस्थल क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो भारतीय वायुसेना इंडियन फोर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी की वैकेंसीज आपको मिल रही है। ग्रुप सी की वैकेंसीज है, इसमें बात करेंगे कि किस जो एरिया है, डिवीज़न है, उसे ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट की। तो यहाँ फ्रेंड्स से बात की जाए सबसे पहले आपको अलग अलग इसमें जो है यूनिट्स बताई गई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर्स जो आपको डाक जो भेजनी है वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स पहले जो वैकेंसीज है, तो ये वैकेंसीज है एयरफोर्स स्टेशन रतनाड़ा जोधपुर, ये रतनाड़ा से जोधपुर से वैकेंसीज है। इसके साथ आपको नेक्स्ट वैकेंसीज बाड़मेर से भी मिल रही है, ये राजस्थान की वैकेंसीज हम आपको दिखा रहे हैं, पहले राजस्थान की वैकेंसीज दिखा रहे हैं। तो यहाँ राजस्थान की वैकेंसीज में देख सकते हो यहाँ आपको जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर, इसके साथ जैसलमेर और स्टेशन जैसलमेर, और इसके साथ फिर आपको रतनाड़ा जोधपुर की वैकेंसीज आपको मिल रही है फ्रेंड्स। इसके साथ आपको देख सकते हो यहाँ जोधपुर की वैकेंसीज है और इसी के साथ फिर आपको जो है वैकेंसीज बताई है रतनाड़ा की, जो रिपेयरिंग यूनिट्स हैं उनमें सभी की ये वैकेंसीज है, एयरपोर्ट की वैकेंसीज आपको मिल रही है। आपको एड्रेस बताया गया है, एड्रेस संबंधित पोस्ट भी आपको यहाँ बताई, जैसे कि इसमें मैथ्स की वैकेंसीज निकल रही है, इस पिन पे आपको जो है कौन सी वैकेंसीज मिल रही है वो भी आपको जानकारी हम आपको बताएंगे। फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो आप जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। इसके साथ फ्रेंड्स बात की जाए यहाँ फिर ये जोधपुर की वैकेंसीज है, सभी की सभी जोधपुर की वैकेंसीज हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ आपको जो है जामनगर की वैकेंसीज मिल रही है, अभी आप जामनगर की वैकेंसीज देख सकते हो, यानी गुजरात की वैकेंसीज यहाँ आप गुजरात की है कच्छ। और इसके साथ जो आपको नेक्स्ट हम आपको दिखा देते हैं जामनगर से काफ़ी सारी वैकेंसीज है, बड़ोदरा से भी वैकेंसीज आपको मिल रही है, ये आपकी जो भी लोकेशन रहने वाली जामनगर है ये यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, गुजरात की चल रही है अभी, ये पुणे महाराष्ट्र की आ गई है, यहाँ वैकेंसीज देख सकते हो एयरफोर्स स्टेशन, ये पुणे की वैकेंसीज जो है आपको मिल रही है महाराष्ट्र से।
और इसके साथ मुंबई वैकेंसीज आपको मिल रही हैं, और इसके साथ पुणे दोबारा वैकेंसीज आपको दिखाई है, नासिक जो है वैकेंसी दिखाई है, ठाणे की वैकेंसी दिखाई है, फिर बारमेर की वैकेंसीज आपको फिर से दिखाई है। ये किस पोस्ट के लिए? मैस स्टाफ के लिए बारमेर से फिर वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो निम्न स्टेशनों से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। टोटल 255 पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स बात की जाए उम्र सीमा क्या रखी गई है, और ये कंप्लीट जानकारी आप यहाँ देख सकते हो। फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म आपको इस भर्ती प्रक्रिया के लिए भरना होगा। सबसे पहले आपको जिस स्टेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसकी ऑफिशियल डिटेल जो है आपको देनी होगी। फ्रेंड्स इसके साथ आपको अप्लाई पोस्ट फॉर अप्लाई जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम आपको लिख देना है। जैसे कि मैं मैस स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ मैस स्टाफ, यदि मैं ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ड्राइवर, या मैं फायरमैन के लिए अप्लाई करता हूँ या फायरमैन का नाम आपको लिख देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के नाम जो है आपको लिख देना है, फादर्स या हस्बैंड नेम, जन्मतिथि जो है आपको यहाँ देनी होगी, इसके साथ आपका एज प्रूफ आपको लगानी होगी, इसके साथ एड्रेस हो जाएगा, परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, इसके साथ काफ़ी सारी जो है आपको जानकारी इस भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म में अप्लाई करनी होगी। इसके साथ फिर आपको ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड संबंधित जो है लेटर दिया जाता है, ये भी आपको साथ अटैच करना है, क्योंकि इसमें आपकी इंटरव्यू डेट जो है विभाग के द्वारा लिखी जाएगी कि फाइनली आपको इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कब बुलाया जाएगा। इसके साथ फ्रेंड बात की जाए फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन कल की डेट में प्रकाशित हुआ है, तो 45 डेज के अंतर्गत ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ वैकेंसीज आपको बताइए, जैसे कि बात करें मैस स्टाफ एमटीएस की वैकेंसीज है, एचकेएस की वैकेंसीज, तो यहाँ 5 वैकेंसीज मिल रही है। ये जो वैकेंसीज है वो सिरोही से आपको मिल रही है। फ्रेंड्स ये इसमें आपको बताइए, जैसे कि अभी मैं सिरोही से अप्लाई करना चाहता हूँ, एयरफोर्स स्टेशन माउंट आबू सिरोही से अप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब ये मेरे नज़दीक का एरिया है, तो मैं यहाँ से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो हाँ मैं यहाँ कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ मैं एचकेएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मैस स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, एचकेएस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये निम्न प्रकार की पोस्टों के लिए मैं इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई कर सकता हूँ। इसके साथ ये आप देख सकते हो क्लर्क टाइपिस्ट के लिए भी मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, कुक के लिए भी मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये इसमें बताई गई है कि किस स्टेशन से कितनी वैकेंसीज आपको मिल रही है, और ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या महिला अप्लाई कर पाएंगी? हाँ, महिला इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स बात की जाए कि ये पोस्ट खाली जाती है, मेरे हिसाब से काफ़ी सारे क्वेश्चन कमेंट कर रहे थे सर इसमें कोई फॉर्म नहीं अप्लाई करना चाहता है, तो सभी फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने इस प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं की काफ़ी रिपोर्ट देखी है, काफ़ी रिपोर्ट देखी है, लाखों में फॉर्म जो है सबमिट होते हैं। ये नहीं है कि मैंने अकेले ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो यहाँ ये 255 वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है, तो इसमें 255,000 के समथिंग जो फॉर्म तो कम भरे जाएंगे, ये तो 100% है। इसके बाद यदि जितने फॉर्म आए वो विभाग पे जो है निर्भर करेगा कि नोटिफिकेशन के बाद जो है इसमें 45 डे के बाद कितने फॉर्म जो है रिजेक्ट किए गए, वो ऑफिशियल जो है जानकारी आपको नहीं बताई जाती है। एमटीएस की या मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। फ्रेंड्स फॉर्म भरने से पहले जो आपको ये इसमें बताई गई है कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे कि बात की जाए यहाँ स्टाफ जो हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए, तो यहाँ 10th पास रखी गई, किसी भी प्रकार की आईटीआई या अन्य अनुभव की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि एचकेएस की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलडीसी यदि आप 12वीं पास है तो एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और इसी के साथ कम टाइपिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, स्टोर कीपर 12वीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, आया के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, कारपेंटर की भी वैकेंसीज है, फायरमैन का, यहाँ फायरमैन संबंधी जो है आपको नोटिफिकेशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि फायरमैन में फिजिकल भी होगा, तो फिजिकल में 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है, 165 सेंटीमीटर हाइट होने अनिवार्य है, चेस्ट जो आपका रखा गया 81.5 है, इसके साथ आपका वेट जो होना चाहिए 50 kg, और इसके साथ जो है आपको एक बॉक्स ले जाना होगा 63 kg का, वो डिटेल्स भी आपको यहाँ बताई गई है। तो फ्रेंड्स ये फॉर्म भरने से पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है, और यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट पे ये फॉर्म